सो वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ इम्यून थ्रोमोसाइटोपिनिया नोज़ ब्लीडिंग ब्लैक माउथ ब्लैस्टर्स ब्रूजिंग फटीक फटीक की हो गई ब्लड लॉस हो रहा है ये देख लें मैकेनिज्म इसका कि इस तरह से एंटीजन है एफ सी रिसेप्ट हैं एंटीट एंटीबॉडीज़ हैं माइक्रोवेज ने उनको पकला और खा लिया प्लेन के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो सुपरफेशल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी देखें किस तरह से छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं बॉडी में सो वील नोट इट इसको रीड कर लें आई थिंक वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इसको भी रीड कर लें नेक्स्ट देखें किस तरह से बॉडी में जनरलाइज्ड पिटेकिया होते, है, होते है, Again, हैं पॉपरा होते हैं फास्ट फैक्ट्स अगेन कुछ पिक्चर्स हैं जस्ट टू शो ये पीट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आ, मतलब इम्पोर्टेंट कह रही हूँ कि मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू में है ये देख लें So, इसमें क्या है कि ईडियोपैथिक में ये वीडियोस देख लें पिक्चर्स देखो किस तरह से उसकी लेग जो है वो ही है जैसे अगेन बच्चा है छोटा सा ये देखिए माउथ आप नोट करोगे ना पिटेकी एंड प्रॉपर डिफरेंस बताया हुआ कि पिटेकी बहुत छोटे छोटे होते हैं डॉट्स पपड़ा थोड़ा बड़ा होता है होल बॉडी में देखें दिस शोज द प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी सुपरफिशियल प्रॉब्लम है ठीक है कोई भी प्लेटलेट डिसऑर्डर होगा ना वो आगे से क्वांटिटेटिव डिफेक्ट भी हो सकता है क्वालिटेटिव मतलब कि प्लेटलेट्स की ज़रूरी नहीं है कि कमी हो जैसे कि अब हम इडियोपैथिक पढ़ रहे हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसमें प्लेटलेट्स की कमी है उसकी क्वांटिटी कम है कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें प्लेटलेट्स की क्वांटिटी ठीक होती है बस उसकी क्वालिटी ख़राब होती है सो so उन्होंने बताया हुआ कि क्वालिटिटिव डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें प्लेटलेट्स जो हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होगा लेकिन अब नॉर्मलिटी होगी उसकी फंक्शन में फॉर एग्ज़ाम्पल एक्वाइड में वी हैव द ड्रग्स यूरीमिया लिवर डिजीज़ बोन मैरो डिसऑर्डर्स एंड द प्रोटीनिमिया कार्डियोपनरी बाईपास एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज़ हेरिटेटरी में वी हैव हाँ वॉन बिलिब्रंट डिजीज बर्नार्ड सॉलियर ब्लैंडमैन इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे देन वी हैव द क्वान्टिटेटिव में अगर हम बात करें जिसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है देन वी हैव द थ्रोम्बोसाइटोपीनिया ठीक है अब आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो नॉर्मल काउंट होता है प्लेटलेट्स का को कितना होता है डेढ़ लाख से ले चार लाख तक होता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसको कहेंगे जिसमें डेढ़ लाख से कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या है या तो उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है प्लेटलेट्स की या उनकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है देन वी हैव द थ्रोम्बोसाइटोसिस थ्रोम्बोसाइटोसिस इज यूज फॉर प्लेटलेट्स की कोंटिटी ज़्यादा हो गई है देर वी हैव कोटिटी कोटिटी जो ज़्यादा हो गई है वो रिएक्टिव भी हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि किसी की जो है हमने क्या की कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की आयरन एन थी ठीक है तो उसकी बॉडी ने कंपनसेट करने के लिए बोन मैरो से ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स से निकालने शुरू कर दिए प्लेटलेट्स ज़्यादा बनाना शुरू कर दिए ठीक है देन वी हैव द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है मेलेग्नेसीज हैं तो दीज आर द एक्चुअली कि किस तरह से हम प्लेटलेट्स की डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करते हैं जस्ट हैव ए लुक ऑन इट नॉट इम्पॉर्टेंट बट फॉर द कॉन्सेप्ट द शोज कि सुपरफिशियल जो है वो प्लेटलेट्स के लिए होगा और लाइक उन्होंने बताया कि कौन कौन से सुपरफिशियल चीज़ें और डीप जो है जॉइंट्स एंड मसल्स जो हैं इट शोज़ द फैक्टर ब्लीडिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट कि अगर आपको जो है ब्लीडिंग नहीं मिल रही बॉडी में कहीं भी बिल्कुल एसमटोमेटिक पेशेंट है लेकिन जब आपने प्लेटलेट काउंट करवाया वो थर्टी थाउजेंड से ज़्यादा था ठीक है तो फिर आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना लेकिन अगर उसको माइल्ड ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी उसका काउंट जो है वो थर्टी थाउजेंड से जो है वो कम है ठीक है मीन्स थोड़ा से ज़्यादा मसला हो गया तो अब आप थोड़े से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दोगे ग्लूकोकॉटिकॉयस का क्या काम होगा वो जो जो ऑटो इम्यूनिटी है उसको ख़त्म करेगा इम्यूनो स्प्रेशन करवाएगा ताकि वो जो प्लेटलेट्स को एंटीबॉडीज़ ने पकड़ के रखा हुआ है वो जरा छोड़ दें ठीक है उसके बाद वी हैव हाँ द स्वीयर ब्लीडिंग है अगर और काउंट जो है वो टेन थाउजेंड से कम हो गया है फिर हम क्या करेंगे फिर हम थोड़े से और ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे ताकि वो इम्यूनिटी खत्म हो इम आई वी देंगे एंटी रो एंटी डी एंटीबॉडी देते हैं ठीक है इसके अलावा वी हैव हाँ द रिकरेंट एपिसोड हो रहे हैं और स्टेरॉयड डिपेंडेंट हो गया पेशेंट तो अब मतलब हमारी मेडिसन्स काम नहीं की तो अब हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए तो सर्जिकल ऑप्शन क्या है कि वो जो स्प्लीन है जो कि एक्चुअली प्लेटलेट्स को पकड़ पकड़ के उसके मैक्रोफेजेस में खा रहे हैं ख़त्म कर रहे हैं उस स्प्लीन को रोक दिया जाए hmm. तो ठीक है स्प्लीन को हमने निकाल देना है बॉडी से स्प्लिन कर देनी है अब आपसे कोई पूछेगा ना कि स्प्लिन हमने क्यों करनी है तो हमेशा याद रखना है कि आपने इस केस में कहना है कि प्लेटलेट्स को वो किल कर रहे है स्प्लिनिक मैक्रोफेजेस तो इस वजह से हम स्प्लिन को रिमूव कर रहे हैं स्प्लिन को हम इस वजह से रिमूव नहीं कर रहे हैं कि वो इन हुई हुई है इस केस में कोई स्प्लिन की इन्ार्जमेंट नहीं होती और उसकी कॉज ये होती है कि स्प्लिन जो है वो तब इन होगी ना जब उसका काम ज़्यादा हो जाएगा और काम ऐसे जिसका यहाँ पर ऐसे जितना ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक अगर सौ सौ आर बी सीज हैं उनमें से तीन चार प्लेटलेट्स गुजरे होते हैं उसके अंदर से ठीक है सो दिस द केस आर अगर टूट रहे हो ना स्प्लिन में तो स्प्लीन जल्दी लार्ज करती है मसले वाली बात बनाती है लेकिन यहाँ पर स्प्लिनों में गहली नहीं होगी देन वी हैव द स्प्ल और स्टेरॉइड्स भी इफेक्टिव नहीं है फिर हम क्या करेंगे फिर हमारे पास ये थोड़े से ऑप्शनस हैं जो कि थोड़े से मतलब कह सकते हैं कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग्स टाइप में चले जाते हैं हम कैंसर वाली जो हम यूज करते हैं लाइक इजैथोप्रीन है साइक्लोस्पोरिन है रिटोक्सी मैब है एल्ट्रोम वो पैग है रोमी प्लास्टिम है इन चीज़ों की तरफ हम चले जाते हैं सो मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कि उसकी क्लिनिकल फीचर्स कैसे हैं ब्लीडिंग कितनी हो रही है नहीं हो रही और उसके अंदर प्लेटलेट काउंट कितना है और हमने जो ट्रीटमेंट दिया है उसका कितना फ़ायदा हो रहा है उसके बेसिस पर हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट वी हैव द प्लेटलेट्स आर लार्ज इन आई टी और स्प्लिनी करने से पहले पहले भी हमने डिस्कस किया था कि प्रोफ्लेक्सेज हम देते हैं वैक्सीन देते हैं लोगों को बिफोर uh, स्प्लेनमी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं क्योंकि यू नो कि स्प्पिन जो है ये हमारी बॉडी में एक इन्फेक्शन uh, के गेस्ट भी वर्क करी होती है तो अब uh, बहुत से हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जब ये देखें कि हमारी बॉडी में स्प्लिन नहीं है तो वो हमें अटैक कर सकते हैं ई वी हैव टू एक्चुअली वैक्नेट अगेंस्ट दीज ऑर्गैनिजम्सियम इन हिमोफिलिस इन्फ्लुजी एंड न्यूमोकोक्स एक दफ़ा देख लें कि ओकेजनल डायग्नोसिस जो है उसके टेक्स टेस्ट हम कौन से करवाते हैं पाँच इम्पोर्टेंट ये आपने याद कर लेने हैं और इसका यू क्यों आता होता है ओके okay, नेक्स्ट हम इसके डीटी डिस्कस करते हैं आपके प्रवेश अकबर में लिखे हुए हैं स्टेपअप पर नहीं है तो डी डीज देखें सबसे पहले आप क्या सोच सकते हो कि किसी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है तो क्या हो सकता है एक तो डिजीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी प्लास्टिक एनीमिया जिसके अंदर प्लेटलेट्स कम थे लेकिन उसमें यह है कि ऑब्वियसली अगर वो पूछें कि प्लास्टिक एनीमिया क्यों नहीं हो सकता हो तो आप कहोगे वहाँ पर तो डब्ल्यू भी कम होते हैं आर बी भी कम होते हैं इस वजह से हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे फिर अगर कोई ये सोचे कि लुकीमिया हो सकता है लकीमिया क्या है कि डब्ल्यू बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं जब डब्ल्यू बॉडी में ज़्यादा होते हैं ना तो वो वो जो बाकी सेल्स होते हैं उनको उनको स्प्रेस कर देते हैं लाइक like प्लेटलेट्स को प्रेस कर देंगे हम ज़्यादा हैं बॉडी में तुम नीचे हो जाओ ज़रा तो प्लेटलेट्स को कम करते हैं वो इस वजह से उसके अंदर भी हम सोच सकते हैं लेकिन लुकीमिया में ऑब्वियसली बाकी एक कैंसर है ठीक है तो बाकी साइंस आ रहे होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे लुकीमिया में देन वी एव द डी आई सी डी आई सी में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बॉडी में जगह जगह कोकुलशन हो रही होती है तो प्लेटलेट्स कोकुलेटिंग फैक्टर्स सारे कंज्यूम हो जाते हैं तो डी आई सी भी हम कंसिडर कर सकते हैं लेकिन डी आई सी और इसका क्या डिफरेंस होगा ऑब्वियसली डी आई सी में तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कम है तो वहाँ पर पी टी ए पी टी टी प्रोलॉन्ग होगा जो यहाँ पर नहीं है डी डायमर्स होंगे देन वी अ द लिम्फोमा लिम्फामा को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हमने पहले भी स्नैरियो में डिस्कस किया था कि भी नहीं होगी और भी नहीं होगी जो कि लिम्फॉर्मा में हो रही थी अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की ठीक है तो ट्रीटमेंट जो है ना इसका ये हम यहाँ से सबसे पहले हमने इसको पीडियाट्रिक से और स्टेप अप से दोनों से मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे इसी तरह आपने इसको लिखना है जिस तरह मैं आपको बताऊँगी इसके बाद जो टॉपिक कर कवर करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा अप से रीड करना है और पी और प्रवेश पर से रीड करना है ठीक है प्रवेश अक पर में थोड़ा सा लेंथी लिखा हुआ है इस वजह से मैं स्टेप अप से भी आपको कह रही हूँ कि वहाँ से स्टेप अप से पहले पढ़ें और फिर प्रवेश अकपर से पढ़ें सो so, ट्रीटमेंट क्या है सबसे पहले तो हमने पेशेंट की थोड़ी सी काउंसलिंग करनी है कि जी आपके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है आपने जो है ना ध्यान रखना है अपना अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम करनी है इधर उधर टकरे नहीं मारनी ताकि आपको चोट ना लगे ठीक है अवॉइड ट्रोमा एंड रिस्ट्रिक्ट फ़िज़िकल एक्टिविटी देन वी हैव कि वो मेडिकेशंस नहीं ले रही जैसे कि मैंने यहाँ लिखी हुई है सारी जो वो मेडिकेशंस नहीं लेनी जो कि आपको क्या करवा सकती हैं प्लेटलेट्स की कमी करवा सकती हैं लाइक like बहुत इंपॉर्टेंट एनसेड्स हैं बहुत इम्पॉटेंट हैपरिन है एस्परिन है ये सब जो हैं एंटी प्लेटलेट एजेंट्स होते हैं तो इनको आपने नहीं लेना काउंसलिंग करने के बाद हम आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट में फ़र्दर जो हमने एक टेबल की फॉर्म में भी डिस्कस किया था ये बार बार उधर हो जाता है ओके hmm, okay. मैनेजमेंट में देखें जो हमारा एक्यूट केस होता है ना एक्यूट केस उसमें हम क्या देंगे पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं टूट रहे हैं टूट फूट रहे हैं है, तो हम क्या करेंगे प्लेटलेट्स की इन्फ्यूजन करवाएंगे ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे लेकिन सोचने वाली बात है प्लेटलेट्स बॉडी में बन तो रहे हैं ठीक है लेकिन टूटते जा रहे हैं अगर हम बाहर से भी प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन दे देंगे तो प्लेटलेट्स तो फिर से टूट जाएंगे बॉडी में ऑटो क्रिएट हुई हुई है तो हम प्लेटलेट्स जो है वो जस्ट एक्यूटली देते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो काम करे लेकिन हमें उसकी जो रीज़न है ना उसको कंट्रोल करना है उसकी रीज़न क्या है कि प्लेटलेट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं तो उन एंटीबॉडीज़ का कोई कोई सोल्यूशन हमने निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले भी हमने डिस्कस किया ग्लूकोकोडिकॉइड्स दे सकते हैं प्रेटनीसोलोन वगैरह ठीक है आई बी दे सकते हैं एंटीरो एंटीबॉडीज़ ठीक है रो एंटी रो एंटीबॉडीज दे सकते हैं तो ऑटो इम्यूनिटी को हमने ट्रीट करना है सबसे पहले ठीक है थ्रू दीज एजेंट्स जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी देन वी हैव हाउ टू सेव द प्लेटलेट्स टू बी ब्रोकन बाय स्प्लीन अब प्लेटलेट्स जो हैं एक तो हमने ऑटो इम्यूनिटी को रोक लिया ऑटो इम्यूनिटी को हमने कैसे रोका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से आईवी मिनग्लॉबलिन से और ये जो बाकी हमारे एजेंट्स हैं रेटोक्सी मैप हो गया रिसेप्टर अगेनेस्ट हो गए और एजेंट्स दूसरे हो गए ये हमने सब कुछ कर लिया लेकिन अब एक और मसला था कि हमारा ये भी कि जैसे कि हमने कहा कि हमारे ये वाला काम नहीं कर रहा तो अब हम सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो कि केसेस में मोस्टली होता है क्यूट केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं बच्चों के अंदर स्पेशली तो इसमें मसला आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे ऑब्वियसली इनको जो है वो उनकी स्प्लीन का कुछ मसला करके ख़त्म करेंगे तो मैंने ऑलरेडी बताया इसमें हम क्या करवाते होते हैं स्प्लिन करवाते हैं फिर गिव प्लेटलेट्स मीन्स प्लेट ट्रांसफ्यूज सो दीज आर दर्जिकल ऑप्शन सर्जिकल एंड मेडिकल ऑप्शन फॉर दिस सिंपल सा है तो so, ये दूसरे दो सिनेरियोस पे आप देख लें एक दफ़ा ये भी आपके सेम उसी तरह है लेकिन फर्स्ट फर्स्ट में आपको मैनेजमेंट पूछी हुई है आपने वो टेबल जैसे लिखा हुआ है वैसे ड्रॉ करना है और सपोर्टिव मैनेजमेंट फर्स्ट लिखनी है कि पेशेंट को काउंसिल आपने किस चीज़ों में करना है उसके बाद वी हैव हाँ द सेकेंड वाला क्वेश्चन उसमें डायग्नोसिस पूछा हुआ इन्वेस्टिगेशन पूछी हुई हैं और थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा है इमिजिएट ट्रीटमेंट आप क्या दोगे तो दैट इज़ मैंने आपको बताया प्लेटर ट्रांसफ्यूजन लेकिन उसके बाद आपको बाकी चीज़ें भी करैक्ट करनी होती हैं देन वट डू एक्सपेक्ट द बोन मैरो टू शो ऑन एग्जामिनेशन तो उसमें क्या होगा मेगा केड ज़्यादा हुए होंगे उसके बाद वाट इज अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हमेशा क्या है सर्जरी दैट इज लॉन्ग विद द ओरल स्टेरॉइड्स जबकि जो शॉर्ट टर्म है उसमें वी हैव अदर ऑप्शन लाइक आई वी मीनोग्लॉबलिन हैं ग्लूकोकोटिकॉइड्स हैं और आई वी प्रिगने लॉन् जिसमें आ जाता है दैन वी हैव द डिस्ट ट्रीटमेंट एंड द प्लेट ये सारी आपकी क्यू ट्रीटमेंट में आ जाती है द एडियोपैथिक uh, जो है ये पीड पीट्स का क्वेश्चन है जिस इसमें देखिए बच्चा है छोटा बच्चा है ऑलरेडी एक्यूट फॉर्म है एक्यूट फॉर्म जो है वो बच्चों में कॉमन होती है सो so, उसमें देखिए सारे वही सिम्टम्स आ रहे हैं ठीक है और गिव फाइव लैब इन्वेस्टिगेशन एंड जस्टिफाई कि आपने ये क्यों करवानी है एंड मतलब उसमें आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी आपने बताने हाउ विल ये हेल्प यू टू रीच द ए डायग्नोसिस मतलब आपने प्रॉपरली सिर्फ नाम नहीं लिखने सारा बताना है और ये आप तभी बता सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट होगा कि ये मैं लिख रही हूँ डायग्नोजिस लेब इन्वेस्टिगेशन तो ये मैं क्यों लिख रही हूँ ठीक है उसके बाद वी हैव द मैनेजमेंट जो कि आपने यहाँ पे मैनेज करना है किस तरह से वो बताना है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक नेक्स्ट वी हैव द शॉर्ट टॉपिक दैट इज़ वॉर्न विलिब्रेंट डिजीज़ ये भी आपको स्टेप अप पे मिल जाएगा वॉर्न वेलीब्रेंट फैक्टर की जो कमी होगी उसमें हमारे पास वॉर्न विलिब्रेंट डिजीज़ होगी सबसे पहले दिस वन और स्टेप अप पे आपका लिखा हुआ है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर दूसरा ये कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है जिसमें क्या होता है फैक्टर जो हमारा होता है ना ये वाला वॉर्न विलिब्रेंट इसकी कमी हो जाती है बॉडी में ठीक है सो so, ये देखिए आपको नज़र आ रही है कि ब्लड वेजल है उसकी जो है और वॉल है आपको दिखाई हुई उसके साथ वॉन विली ब्रेंड जो है ये अटैच हुआ हुआ फैक्टर यहाँ पर ठीक है अब पता नहीं आवा, आवाज़ आप लोगों को सही आ रही होगी या नहीं मुझे थोड़ा सा बोला नहीं जा रहा मसला हुआ है थोड़ा माउथ में ठीक है तो इस तरह से तो मैं इसको देख रही हूँ कि वॉन विली ब्रेंड फैक्टर है अब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इस डिज़ीज़ में जो वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ है तो हमें क्या मसला होगा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के ना होने से ये हमने पढ़ना है ठीक है एक फैक्टर गया हमारी बॉडी से इस फैक्टर ने हमारे प्लेटलेट्स को आगे से एक उसकी स्टिकिंग करवानी थी अपने साथ सोचने वाली बात है कि जब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर नहीं होगा तो क्लॉट की बनने की जो इनिशिएशन है ना वही नहीं होगी प्लेटलेट्स ने आके जो जुड़ना था उसके साथ वही नहीं होगा सो नॉर्मली बॉर्न बिलीब्रेंट फैक्टर क्या कर रहा होता है प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवाता है उनकी ये करवाता है उनको एक दूसरे के साथ जो है ना उनकी एक सुलह करवा रहा होता है कि आओ आओ जमा हो इधर और दूसरा इसका जो काम होता है दैट इज़ कि ये फैक्टर एट फैक्टर एट जो है ना फैक्टर एट उसका एक कैरियर होता है ब्लड में ठीक है तो अब इसकी जो है वो तीन फॉर्म्स होती हैं टाइप वन होती है टाइप टू होती है टाइप थ्री होती, होती है तो जो टाइप वन होती है उसमें हमें क्या मिलता है कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है उसकी कमी होती है मतलब उसके लेवल्स कम हुए होते हैं टाइप टू क्या होता है उसमें वी हैव द क्वालिटी ख़राब होती है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की और जो टाइप थ्री होती है वो बहुत ही मसले वाली बात होती है क्योंकि उसमें वॉन बिलिब्रेंड फैक्टर होता ही नहीं है तो फैक्टर टाइप वन में क्या है उसकी कमी है टाइप टू में क्या है क्वालिटी ख़राब है टाइप थ्री में क्या है वो है ही नहीं है एबसेंट है सो दिस इज़ अ केस अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे यहाँ पे मैंने स्लाइड नहीं बनाई जस्ट के क्योंकि ये इजी है टॉपिक इजी है जब आपको प्लेटलेट्स वाला समझ आ जाएगा ना तो ये भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे देखिए वॉन मेरबिन फैक्टर के दो काम मैंने आपको बताएँ एक तो प्लेटलेट्स के साथ है और एक फैक्टर एट के साथ है पी एट तो अब मसला क्या होगा इसके ना होने से तो प्लेटलेट्स ना होने की वजह से क्या होगा सुपरफिशियल ब्लीडिंग होगी और डीप ब्लीडिंग भी हो सकती है फैक्टर एट की कमी की वजह से लेकिन ज़्यादातर आपको सुपरफिशियल ब्लीडिंग ही मिलती है फिर हम डायग्नोसिस की बात करें अगर इसकी तो क्या होगा प्लेटलेट्स नहीं है तो ब्लीडिंग टाइम क्या होगा प्लेटलेट्स नहीं है ठीक है तो ब्लीडिंग टाइम क्या होगा प्लेटलेट्स ना होने की वजह से प्रोलॉन्ग हो जाएगा ठीक है ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग और अगर हम बात करें क्लॉटिंग टाइम की तो वो क्या होगा क्लॉटिंग टाइम जो है वो भी आपका प्रोलॉन्ग हो सकता है फैक्टर एट की कमी की वजह से सिंपल सी बात है और हो सकता है लेकिन ज़्यादातर आपको ब्लीडिंग टाइम जो है वो मिलता है अच्छा प्लेटलेट्स का काउंट क्या होगा सी बी सी करवाने पर नॉर्मल होगा इससे आपको पता चल जाएगा कि ब्लीडिंग टाइम जो प्रोलॉन्ग हुआ हुआ है प्लेटलेट्स की कमी की वजह से नहीं हुआ किसी और वजह से हुआ है और वो वजह क्या है बॉन मिलीवियम फैक्टर नहीं है जिसने प्लेटलेट्स की डेही करवानी थी ठीक है देन वी आद पी टी टी पी टी टी क्या होगा ये प्रोलॉन्ग होगा क्योंकि फैक्टर एट की कमी है ठीक है उसकी खराबी है और अगर हम बात करें ए, पी टी टी पी टी की तो वो आपका नॉर्मल होगा ठीक है वॉन विबल फैक्टर का लेवल क्या होगा कम होगा फैक्टर एट का लेवल क्या होगा कम होगा ठीक है इसके अलावा वी हैव द स्टेन ऐसे ये भी जो है एक्चुअली करवा रहा होता है प्लेटलेट की एग्रिगेशन करवा रहा होता है लॉन्ग विद द विलिब्रेंट फैक्टर ठीक है तो ये जो स्टेन है ये भी आपका लिखा हुआ है स्टेप अप पे ये भी आपको कम मिलता है इसका ऐसे ठीक है अब जो है अब ट्रीटमेंट क्या होगा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ना होने का तो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होना चाहिए हमें किसी तरह बॉडी के अंदर वॉन बिलप्रेंट फैक्टर लेके आए वॉन विलिप्रेंट फैक्टर लेके आएंगे खुद बहुद प्लेटलेट्स आ जाएंगे खुद बहुद हमारे जो है ना वो आ जाएंगे फैक्टर रेट आ जाएगा ठीक है तो वॉन बिलप्रेंट फैक्टर को बॉडी में कैसे ले कर आना चाहिए उसकी कुछ स्टिमुलेंट्स uh, देने चाहिए लाइक वी हैव द डजमोप्रेशन ठीक है डज्मोप्रेशन जो होता है ये आपका आपने जो है वो एंडो में भी पढ़ा होगा ये एक्चुअली ये भी करवाता है कि एंडोथीरियल सेल से बॉन विलिब्रेन फैक्टर जो हैं उनका रिलीज को ज़्यादा करवाता है ठीक है और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है टाइप वन के लिए जिसमें इनकी कमी होती है लेकिन ऑब्वियसली जिसमें इसकी क्वालिटी ख़राब होगी उसमें इतना इफेक्टिव नहीं होगा टाइप टू में या टाइप थ्री में जिसमें बिल्कुल एबसेंट है उसमें भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा तो टाइप वन में जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है डेजमोप्रेसिन है ठीक है देन वी हैव द कि अगर फैक्टर uh, एट की कमी है तो हम वो दे सकते हैं ना फैक्टर एट ठीक है और उन लोगों को देंगे जो मेजर ट्रॉमा के हैं सर्जरी के हैं और ये हम फैक्टर एट ये नहीं कि टाइप वन में दे देते हैं ज़्यादातर टाइप थ्री में देते हैं जिसमें uh, हम डेजमोप्रेसिन नहीं दे सकते और वहाँ पर बॉन विलूबेंट के फैक्टर की कमी है और फैक्टर uh, एट दे देते दे दे हैं फिर वहाँ पर प्लेटलेट्स दे देते दे हैं क्योंकि वॉन विलूबं फैक्टर ज़्यादा हो ही नहीं सकता वहाँ पर फिर इसके अलावा वही है कि हम एस्परिन एंसेट्स जो है वो सारी जो कि प्लेटलेट्स की कमी करवाएंगी उन सबको हम अवॉइड करवाएंगे, ठीक तो है तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें ये वाली फिगर आपको याद आई है जो पैथोलॉजी की थी रॉब रॉबिन्स उसमें थी ये पिक्चर इसमें देखें कि वॉन विलिबन फैक्टर है उसकी डिफिशेंसी हो रही है तो वॉन विलिबन डिजीज़ हो रही है ठीक है फिर जो प्लेटलेट्स होते हैं एक दूसरे के साथ जो है जुड़ रहे होते हैं ना तो ये रिसेप्टर्स होते हैं इनके थ्रू करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन वन बी होता है एक और टू बी थ्री ए होता है इसको इस तरह से याद करना है कि वन बी ठीक है मतलब बी पहले आता है ना और ग्लैंसमैन में जी जो है वो बाद में आता है तो जो ग्लाइकोप्रोटीन वन बी है ना उसकी जो Diffuse, उसकी खराबी की वजह से जो डिजीज़ होगी दैट इज़ बर्नार्ड सोलियर ठीक है और जो टू बी और थ्री ए की वजह से होगी उसको वी हैव द गांसमैन ये दोनों डिजीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बस एम सी के लिए आपने देखना है इन दोनों को दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव है ये जो है ग्लैंसमैन और बर्नार्ड अब जो है बस इनके रिसेप्टर्स की कमी का डिफरेंस है और दूसरा डिफरेंस आता है प्लेटलेट्स का जो कि आपको क्या मिलेंगे अब लार्ज मिलेंगे किसके अंदर बर्नार्ड में ये आपने याद रखना है डिफरेंस ठीक है और दोनों में प्लेटलेट काउंट ठीक होगा लेकिन जो हमारा है ब्लीडिंग टाइम वो प्रोलॉन्ग होगा ऑब्वियसली प्लेटलेट्स तो बॉडी में है लेकिन स्टिक नहीं हो पा रहे इनकी इन सिंड्रोम्स के अंदर देट्स वाई ब्लीडिंग टाइम जो है प्रोलॉन्ग होगा अब इनके ट्रीटमेंट में सेम वही ट्रीटमेंट होगा जो वॉन बिलिब्रेंट का है इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो फाइब्रोनोलाइसिस हो रही है या प्लाजमिनोजेन है उनको इन्हेबिट करवाने के लिए हम ट्रेन एग्जामिकसिड देते हैं और एप्सिलान अमानो कैप्रॉक एसिड देते हैं इसके अलावा जो है uh, uh, जो वॉन विलिब्रेंट ट्रैक्टर की अपरेगुलेगेशन के लिए हम ईस्ट्रोजन दे सकते हैं तो ये इसके लिए आपने रीड कर लेना है और फिर स्टेप अप से देख लेना है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स नेक्स्ट में हम देखते हैं